आपकी प्रतिभा को निखारना चाहता है कि आपकी प्रतिभा किधर जाना चाहती है, किस क्षेत्र में आप कामयाब हो सकते हैं, ये आपकी गुणवत्ता को निखारना चाहती है। सबसे पहले हम अपने बारे में बात करना चाहेंगे। हम हजारीबाग जिला के बड़कावा प्रखंड से हैं और हम 2015 में मैंने इंटरमीडिएट के एग्जाम लिखा। बहुत ज़्यादा मैं सीनियर नहीं हूँ और 2015 में झारखंड का टॉपर था। 8 समय मैंने जिला टॉपर था और झारखंड का मैंने 6 टॉपर था। जब मैं वहाँ से टॉप किया, झारखंड टॉपर रहा और आगे मुझे जीएस में काफ़ी रुचि थी। पहला बुक मुझे जीएस का जो प्राप्त हुआ वो चणकिया एस अकेडमी का एक पॉलिटिकल साइंस का इंडियन पॉलिटी का मुझे मैगजीन प्राप्त हुआ और वो मैगजीन ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। काफ़ी अच्छा कंटेंट, सारा चीज़ों को एक जगह लिखा हुआ है, बेहतरीन प्रिंटेड के साथ जो हमको काफ़ी अट्रैक्ट किया। मैंने उसको काफ़ी गहन से देखा, पढ़ा, समझा और मेरे मन में एक जज्बा आया कि चणकिया आईएएस अकेडमी ही क्यों, मुझे भी इस तरह का एक बुक लिखना चाहिए। और मैंने एक नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस का 5 बुकों की रचना की है। मैं पॉलिटिकल साइंस स्कैनर करके ये 5 पुस्तक है मेरे और आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन के बेस्ट सेलरों में मेरा पुस्तक शामिल है। ये सारे हम चणकिया को देते हैं। आपके जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे जिससे आप प्रभावित हो जाएंगे। कोई चीज़ें ऐसे रहेगी जो आपको पॉजिटिव बना देगी, कुछ चीज़ें ऐसे रहेगी कि आपको नेगेटिव बना सकती है। यहाँ दोनों चीज़ें हैं, आपको चूज करना है कि आप पॉजिटिव में जाना चाहते हैं या नेगेटिव में। जैसे यदि आप सोच रहे हैं कि हम एक कलर का तैयारी करें, इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल की जो आपकी सोच है वो एक कलर का है। भैया सोचने में क्या जाता है, आप कलर का सोचे कलर का बन गए, आप प्रोफेसर सोचे प्रोफेसर बन गए। आप एक बार आइए सोच के देखिए, उसके पीछे लगिए, समय लगेगा लेकिन आईएएस बन के निकलेगा। आपको सोचने में क्या जाता है, जब हम इंटर की तैयारी कर रहे थे हम बड़का गांव में रहते थे, हम उस महाविद्यालय से थे जहां मात्र 70 विद्यार्थी थे, टीचरों की संख्या 5 थी। हम जब नोट्स तैयार करते थे उसमें लिखे हुए थे स्टेट टॉपर बनने की तमन्ना। मेरे दोस्त लोग हम पर मजाक उड़ाते थे कि बड़का गांव से स्टेट टॉपर, बताइए हम करके दिखा दिए। हम बड़का प्रखंड का बाला विद्यार्थी हैं, 2015 का जो इंटर में स्टेट टॉपर में शामिल हुए हैं। तो आपकी सोच होनी चाहिए, हमको करना है और हम तो करते हैं। आप अपने गाँव में देखिए, आपके गाँव में कई बाइक कलर होंगे, टीचर होंगे, यहाँ तक कि रजिस्टर्ड ऑफिसर आपको प्रोफेसर होंगे, लेकिन एक चीज का आपको कमी खलता होगा और वो ऐसा कमी खल रहा है कि उसके आने से एक अच्छा प्रशासक मिलेगा और उस प्रशासक से एक नहीं दो नहीं लाखों जनता का कल्याण हो सकता है और वो प्रशासक एक उच्च अधिकारी आईएएस है। तो आपको ये सोचने में क्या जाता है, आप करके देखिए। हमको कोई नहीं बताया, आपको कोई नहीं बताया कि आपको क्या करना है। आपको उलझन में ही रख दिया कि ठीक है आपको इंटर करना है, इंटर के बाद ग्रेजुएट करना है, फिर ग्रेजुएट के बाद आपको बीएड करना है और फिर आपको सिस्टमेटिक का टीचर बनना है। ठीक है टीचर बनना है, अरे भाई जब मेरे अंदर 100 kg वजन उठाने की क्षमता है तो क्या हम 50 kg का वजन नहीं उठा सकते हैं। तो हमारी क्षमता बड़ा होना चाहिए, हमारी क्षमता ऊंचा होनी चाहिए, नीचे का सारे क्षमता उसमें समाहित हो जाएंगे। तो आपको बड़ा सोचने में किसने रोका है, किसने रोका है नहीं। जब एक आईएएस का चेहरा आता है सामने तो लोगों का काफी उससे उम्मीद होता है। हम डीसी पास काफी फरियाद लेके जाते हैं, जन समस्याओं को सुनाते हैं और एक वही चेहरा है जो आपको बातों को सुनता है। आप एक अच्छा प्रशासक हैं, लोगों के कल्याण कर सकते हैं, तो इतने बड़े पद को हम क्यों नहीं तैयारी कर सकते हैं। और इस कड़ी में
चाणक्य आईएएस एकेडमी आज से नहीं 1993 से भारत में के विभिन्न राज्यों के जिलों में अपना सेंटर चला रहा है और आज से नहीं लगभग 1993 से बेहतर रिजल्ट आपको मिल रहा है। शायद आपको जानकारी हुआ होगा, इससे पहले काफी अतिथियों हमारे मोटिवेशनलों के द्वारा आपको जानकारी मिला होगा कि चाणक्य आईएएस एकेडमी ने 5000 से अधिक यूपीएससी कैंडिडेट दिए।